महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद शाम 7 बजे महायुति सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में फडणवीस सरकार ने पुणे के मरीज चंद्रकांत शकर्ण को उपचार के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष यानी चीफ मिनिस्टर मेडिकल रिलीफ फंड से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इस मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने तीनों नेताओं को बधाई दी। साथ ही ऐलान किया कि एमएनएस महायुति सरकार के अच्छे फैसलों का समर्थन करेगी। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज मेरे मित्र और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में उन्हें यह मौका 2019 में मिलना चाहिए था, लेकिन तब और बाद में 2022 में जो हुआ उससे वो मौका चूक गए। लेकिन इस बार मुझे आशा है कि महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को जो अविश्वसनीय बहुमत दिया है उसका उपयोग आप इस राज्य के लिए, यहाँ के मराठी लोगों के लिए और मराठी भाषा और संस्कृति के लिए करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में दिग्गज भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को शपथ ली। मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस के साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत कई प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को कई चुनौतियों पर के सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल अच्छा माना जाता है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले लिए थे। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को साल भर पानी मुहैया कराने के लिए जलयुक्त शिविर योजना और मुंबई नागपुर को जोड़ने के लिए 55,000 करोड़ रुपये की एक्सप्रेसवे का परियोजना शुरू की थी। आपको बता दें कि मुंबई में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी भी देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकाल में दी थी। अपने तीसरे कार्यकाल में भी उन्हें महाराष्ट्र में विकास कार्यों पर अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा। वहीं राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, राजकोषीय लगातार घट रहा है। वहीं शहरी और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर ज़्यादा है, राजस्व में भी कमी आई है और इस तरीके के कई चुनौतियाँ हैं जो देवेंद्र फडणवीस को सामना करना पड़ सकता है। आप जरा सुनिए देवेंद्र फडणवीस का ये शपथ ग्रहण का ये वीडियो। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सच्चर विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।